मेरा नाम शुभेंदु कुमार मंडल है और मेरे पापा जी का नाम है श्री विकास चंद्र मंडल। हम लोग झारखंड से हैं, जिला दुमका से बिलोंग करते हैं। यहाँ आने से पहले तो हम अपना निजी अस्पताल दुमका गए थे, उसके बाद दुमका के बाद रांची गए। लगभग एक साल इलाज के बाद यहाँ पहुँचे हैं। जब वहाँ पर गए तो डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर साहब बताया कि नहीं, अब इनका तो 7:30 पहुँच चुका है, डायलिसिस करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको डायलिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। आपका अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना है? अभी लगभग 4:30 के आसपास है। पहले कितना था? 7:30। वहाँ भी एक साल लगभग इलाज करवाए, पापा का किडनी में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, जबकि बढ़ ही गए। 7:30 के आसपास किडनी पहुँच चुके थे, लेकिन हम लोग को एक दिन लोग किसी के माध्यम से वीडियो देखे, पता चला कि ये आयुर्वेदिक इलाज यहाँ टन में किया जाता है, और जहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं, तो हमने भी वहाँ से यहाँ पे पहुँचे। और मेरा इलाज लगभग ये तीसरा महीना है, और पापा जी का किडनी आज के रिपोर्ट के अनुसार से लगभग 4:30 हो पहुँच चुका है, जबकि 7:30 था। और यहाँ से पापा जी का जो तबीयत है उससे बहुत इम्प्रूव हुआ है, और अब पापा जी पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे पहले थे उससे काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है। हमें जो वीडियो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं और देखने वाले को मैं कहना चाहता हूँ, आप यह किडनी के मरीज़ हैं या कोई भी चीज़ के मरीज़ है तो यहाँ आकर संपर्क करें, आपका इलाज पूर्णतः 100% है कि यहाँ पर ठीक होकर जाएंगे। डॉक्टर साहब को तो अपने तरफ से और अपने पापा जी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हम इनके हार्दिक हम ये करेंगे कि ज़िंदगी भर हम इनका शुक्रगुजार रहेंगे कि इन्होंने हमें सही सलाह दिए, इनके राह पे हम लोग चले हैं, तो आज मेरे पापा जी को सही ठीक हो रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर अभी इलाज मेरा चलता रहेगा जब तक पुनः ठीक नहीं हो जाते हैं।